उनके साथ काम करने का तरीका यही था कि वो गीत लिखते वक्त दो तीन बातें देखते थे। एक तो ये कि जिस वोकैबुलरी में डायलॉग बोलता है कैरेक्टर अपने, जिन मैनर्स में वो कहने के स्टाइल उसका है, वो मैनर्स वो वोकैबुलरी हमारे गीतों में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से गीत मैंने लिखा, सुन 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 जालिमा, प्यार मुझको तुझसे हो गया। तो कहने भाई मुझको तुझसे ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, लफ्ज जो है खुश्क है और वो सुर जो है दब जाते हैं। प्यार हमको तुमसे हो गया इस तरह है तो जो जरा इजी गोइंग होते हैं नोट्स। तो मैंने कहा मगर ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसलिए कि सुन सुन जब कहा, सुनो सुनो कहा होता तो हमको सही होता, हमका लफ्ज प्लूरल सही होता, यहाँ तो सिंगुलर आना चाहिए। तो कहने अरे भाई हटाओ, तुम्हारे ये वहां ऑडियंस में कौन देखेगा तुम्हारी ग्रामर, मजरू ये सुनने में अच्छा लगता है रखो। तो वो गीत ऐसा ही है और वो गीत खूब चला। एडिशनल हैसियत से उसे देखते थे कि ये गीत जो है सीन को आगे बढ़ाए, इसी वजह से गीत में दो बातें वो देखते थे। एक तो ये कि डल नहीं हो, ओपनिंग म्यूजिक लंबा नहीं हो, इसलिए कि ओपनिंग म्यूजिक ऐसा मालूम होता है हाँ भाई बैठ जाओ, अब पहले पहला म्यूजिक ओपनिंग म्यूजिक हो जाए, शुरू का म्यूजिक हो जाए तो फिर हम गीत शुरू करें। तो वो कभी कभी तो ऐसा करते थे डायलॉग से कट के और सीधे गीत शुरू कर देते। उनके साथ काम करने में हमको इसलिए परेशानी नहीं होती थी कि दुश्वारी वहां होती है जहां आदमी कुछ वेग होता है, क्लियर कट नहीं होता, वहां ये चाहता है कि मसलन एक आदमी आया तो उसके बारे में हम उससे किस तरह शुरू करें, कहिए कैसे मिजाज है, भाई कब आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, कहा भाई कहो क्योंकि काम है, इन किस तरह हम शुरू करें। तो ही वॉज डिसाइसिव अबाउट हिम कि किस तरीके से बात को शुरू करना है। तो गीत लिखने में यही चीज होती है कि हाउ टू बिगिन इट। एक चीज मुझे इंटेलेक्चुअली बहुत हॉन्ट करती है, वो ये कि गुरुदत्त काश के होते जिंदा, इसलिए कि जिस स्कूल को वो फॉर्म कर रहे थे फिल्म मेकिंग में वो डेवलप होना चाहिए था, वो बहुत अच्छा स्कूल था, वो एट द सेम टाइम आर्टिस्टिक भी था कमर्शियल भी था, बहुत अच्छा था वो अपने तौर पर। बिल्कुल यही है राज कपूर का, यही था उनका महबूब साहब का, लेकिन इन सब के अपने अपने रंग है। गुरुदत्त का रंग बहुत अलग था और इनका ज्यादा ट्रू टू लाइफ ज्यादा था। प्यासा के बाद कागज के फूल जो उन्होंने आखिरी फिल्म बनाई अपनी, उसमें उन्होंने तकरीबन अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और मेरे ख्याल में बहुत सक्सेसफुली उन्होंने प्रोजेक्ट किया और बड़े ओरिजिनल वे में, किसी की कॉपी न करके। सबसे बड़ी बात यह कि उनके सोल में आर्ट था, म्यूजिक